ओम शांति। आज 9 सितंबर 2022 के साकार मथुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम सब दिल की गहराइयों से बाबा का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने अपना वरदानी हाथ सिर पर रखते हुए हमें विघ्न विनाशक बना दिया। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने समझाई कि विघ्न विनाशक कौन बनते हैं। विघ्न विनाशक वही बनते हैं जिनके पास सर्व शक्तियाँ हैं। सर्व शक्तियों का स्टॉक जिनके पास है वो मास्टर सर्वशक्तिवान है। माया भले किसी रूप में भी आए, आप उसके भी नॉलेजफुल हो, आप माया को भी हराने वाले हो। ये याद रहे कि बाप दादा का, दुआओं का हाथ सदा मेरे मस्तक पर है। बाबा का दुआओं का हाथ जहाँ है वहाँ स्वतः ही निर्विघ्न बन जाते हैं। ये दुआओं का हाथ आत्मा को निर्विघ्न बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। आज दिल से शुक्रिया करेंगे कि प्यारे बाबा, आपने अपना वरद हस्त सिर पे रख कर हमें निर्विघ्न बना दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ बाबा आज बहुत सुंदर वंडर हमें सुना रहे हैं कि छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है और वो पार्ट कभी घिसता मिटता नहीं है। कोई भी इस तथ्य को नहीं जानते हैं कि छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। जब बाबा आते हैं तो बाबा ये राज खोलते हैं। जिनकी बुद्धि अच्छी है वही ये बात समझते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे उससे बुद्धि योग लगाना है। बाबा आकर बच्चों को अपने समान बनाना चाहते हैं कि मीठे बच्चे, बाप समान निराकार निरंकारी बनो, जरा भी किसी बात का अहंकार ना आए। बाबा बच्चों को पतित से पावन बनाने आए हैं तो बच्चों को पावन बनकर पावन दुनिया में जाने का सहयोग देना है। इन चित्रों के बारे में समझाते हुए बाबा ने कहा कि चित्रों को देखते रहो, चिंतन करते रहो तो बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। इन चित्रों में बहुत ऊंचा ज्ञान है और आपके लिए सेवा के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप शमशान भूमि में जाओ समझाने के लिए, जब तक मुर्दा जलता है सब लोग खाली बैठे होते हैं, तो उस समय आप ये ज्ञान की बातें समझा सकते हो। यहाँ तक कि मंदिर में जाओ कि श्री लक्ष्मी नारायण ने इतना ऊंचा राजभाग कैसे प्राप्त किया। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना है। तुम्हारी पढ़ाई है पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। ये पढ़ाई है पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। क्वेश्चन है, बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनने की शिक्षा देते हैं? बाबा कहते, बच्चे जैसे मैं निरंकारी हूँ ऐसे तुम बच्चे भी मेरे समान निरंकारी बनो। बाबा तुम्हें पावन बनने की शिक्षा देते हैं, पावन बनने से बाप समान बन जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राज बुद्धि में स्वतः ही बैठ जाते हैं? ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन, जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राज बुद्धि में स्वतः ही बैठ जाते हैं? मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका क्या पार्ट है, आत्मा में कैसे अनादि पार्ट भरा हुआ है जो बजाती रहती है, ये सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। बेहद का माँ बाप मिला तो धीरज मिला। बाबा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा हमारे बेहद के माता पिता हैं। जब बाबा मिले तो धीरज मिला। किसको मिला? आत्माओं को व जीवात्मा बच्चों को। आत्मा एक छोटी सी बिंदी है
दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि आत्मा एक बिंदी है, स्टार मिसल है। तुम जानते हो हमारी इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का 5000 वर्ष का पार्ट है। दूसरी आत्माओं में इतना पार्ट भरा हुआ नहीं है। मनुष्यों की बुद्धि कितनी कमज़ोर हो गई है जो समझती नहीं। परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे कि 84 जन्म व 84 लाख जन्म लेते हैं, नहीं। तुम बच्चे जानते हो छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नोंधा हुआ है, उसको कुदरत कहेंगे ना। कितनी छोटी बिंदी है आप विचार करके देखो, कितनी छोटी सी बिंदी और उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है, जिससे सब जन्मों का आत्मा के अंदर ही पार्ट नोंधा हुआ है। वो कभी घिसता मिटता नहीं, मिटने वाला भी नहीं। कितना भारी वंडर है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को जानते हैं फिर भूल जाते हैं। ये धारण करना है औरों को समझाने के लिए। बाप परम पिता परमात्मा को करण करावन हार कहते हैं, वह भी करते हैं सिखाने के लिए। उनको निराकार निरंकारी कहा जाता है, उनका अर्थ भी कोई समझ ना सके। ये गुण बच्चों को ही सिखाते हैं, बच्चों को भी ऐसा निरंकारी बनना है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान भी सुनाना पड़े, पतित पावन है तो जरूर आकर पतितों को शिक्षा देंगे, पावन बनने की शिक्षा देंगे। जैसे सन्यासी शिक्षा देते हैं सन्यास कराने के लिए, ये भी 5 विकारों का सन्यास करना है। अंडरलाइन करेंगे, सन्यास किस चीज़ का करेंगे? 5 विकारों का। पतित पावन ही आकर शिक्षा देंगे, नहीं तो हम पावन कैसे बने। गाया जाता, जब तक जीना है तब तक सीखना है पढ़ना है। जब तक जीना है तब तक सीखना है पढ़ना है। स्कूलों में ऐसा नहीं कहा जाता, उनमें तो इसी जन्म में पढ़ाई के प्रारब्ध भोगनी है। यहाँ तो कहा जाता, जब तक जीना है तब तक पढ़ते रहना है, अंत तक कर्मातीत अवस्था को पाना है, आत्मा को योग से पवित्र बनाना है। जितना योग में रहेंगे तुम्हारी आत्मा गोल्डन एज में जाएगी, फिर आयरन एज में ना आत्मा को ना शरीर को रहना है। पहले गोल्डन एज में, फिर धीरे धीरे आत्मा नीचे आ जाती है। हम पढ़ते पावन दुनिया में आने के लिए। ये ऐसी गुह्य बातें हैं जो कभी कोई समझ ना सके। और तो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, साइस घमंडी कैसी कैसी चीज़ें बनाते हैं, स्टार मून पर भी जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम समझते हो इनसे कोई जीवन मुक्ति नहीं मिलती है, करके अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। एरोप्लेन से सुख भी मिलता है तो दुख भी मिलता है। कल एक्सीडेंट हो जाए तो दुख होगा, स्टीमर डूब जाता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, बैठे बैठे मनुष्य हार्ट फेल हो जाते हैं। सुख धाम तो है ही अलग, वहाँ सदैव सुख ही सुख है। इस दुनिया में जो भी सुख हैं वह है अल्पकाल कागविष्ठा के समान। तुम बच्चों को बहुत अच्छी बुद्धि मिली है। क्या मिला? बहुत अच्छी बुद्धि। मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका पार्ट क्या है, हमारा क्या पार्ट है, सारा बुद्धि में राज है। तुम बच्चों में सबके 84 जन्म नहीं कहेंगे, सब थोड़ा ही सत्यों में इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए सबके पूरे 84 जन्म नहीं कहेंगे। चंद्रवंशी में भी पिछाड़ी तक आते रहते वृद्धि होती जाएगी, जन्म थोड़े होते जाएंगे। ये विस्तार की बातें हैं। बुढ़ियों को पहले अल्लफ भी पक्का कराना है। अल्लफ माना बाबा, बे माना बादशाही। ये तो बिल्कुल राइट बात है। स्वर्ग की बादशाही थी, भारत सारे विश्व का मालिक था, और कोई राज्य नहीं था। जो रुद्र की माला बनती है वही फिर विष्णु की माला बन जाती है। ये ज्ञान तुम बच्चों को मिला, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनका रूप क्या है, क्या साइज है, ये सारी बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। कितनी छोटी सी आत्मा, परमात्मा को भी भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। द्वापर में कलयुग अंत तक अथवा संगम के अंत तक कहेंगे उनका पार्ट चलता है। ये तुम बच्चे जानते हो बाबा का पार्ट कब तक चलता है। बाबा आते कलयुग के अंत में, संगम पर बाबा का पार्ट चलता है। आज से 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, एक अखबार में रोज़ डालते हैं 100 वर्ष पहले क्या हुआ,
100 वर्ष की बात तो सहज है, अखबारों से झट निकाल बताएंगे। ये है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार, तुम्हारी अखबार है टाइम्स ऑफ वर्ल्ड। सिर्फ इंडिया ने टाइम्स ऑफ वर्ल्ड, ये अक्षर बहुत अच्छा है, रोज़ लिख सकते हो। आज से 5 वर्ष पहले क्या हुआ था, 5 वर्ष पहले जो हुआ था वही अब हुआ है। ऐसे ऐसे लिखने से मनुष्यों को ड्रामा का पता तो पड़ जाए। मैगजीन में भी लिख सकते हो, तुम बच्चों की बुद्धि में सारा राज है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। तो ये मनुष्य किस काम के, जो खुद को नहीं जानते, खुदा को नहीं जानते, तो वो किस काम के। तुम जानते हो मनुष्य ही, मनुष्य आत्मा ही 84 जन्म लेती है, पहले ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता वर्ण, वर्ण तो यहाँ ही है, सूक्ष्म बतन में वर्णों की बात नहीं। ब्रह्मा को प्रजापिता कहते, विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे। ब्रह्मा द्वारा तो अडॉप्ट किया जाता, विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण के तो बच्चे पैदा होते जो तख्त पर बैठते हैं। शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। ये भी जानते हो, जैसी जैसी भावना है वैसे वैसे साक्षात्कार होता है। बाकी वहाँ कोई सर्प आदि की बात नहीं, बैल भी वहाँ हो ना सके। सूक्ष्म वतन में है देवता, सूक्ष्म वतन में जाते हो, बगीचा फल आदि देखते हो, क्या वहाँ बगीचा है, बाबा साक्षात्कार कराते, बाकी है नहीं। बुद्धि कहती है वहाँ सूक्ष्म वतन में झाड़ आदि हो ना सके, ये सिर्फ साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार भी यहाँ का कराएंगे, ये सब है साक्षात्कार, इसको जादूगरी का खेल कहते हैं। ये कोई ज्ञान नहीं, मनुष्य मनुष्य को बैरिस्टर बनाते वह कोई जादू नहीं कहेंगे। ये विद्या देते हैं, ये तुम्हारे को मनुष्य से देवता बनाते हैं नई दुनिया के लिए, इसलिए जादूगरी कहा जाता। दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास होने के कारण उसको जादूगर भी कहते हैं। शिव बाबा को क्या कहते हैं, जादूगर, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखते हैं जिससे दूसरों को साक्षात्कार होता है। वह कहते हैं गुरु की कृपा है, मूर्ति से साक्षात्कार हुआ उसे तो फायदा कुछ भी नहीं, यहाँ तो मेहनत कर स्वयं ये लक्ष्मी नारायण राम सीता बन रहे हो, यहाँ तो आप खुद मेहनत करके ऐसा बन रहे हो, यहाँ तो मेहनत कर स्वयं वैसा बनना है। तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी के रजवाड़े में जाने के लिए। पहली मुख्य बात है, कोई नया आता है तो उसको बाबा का परिचय दो। कोई भी नया आता है तो सबसे पहले बाबा का परिचय दो। ब्रह्म महातत्व है, शिव बाबा निराकार को कोई ब्रह्म तत्व नहीं कहेंगे। एक एक अक्षर का अर्थ है, तुम ईश्वरीय बच्चे हो, ऐसे नहीं कि सब ईश्वर के रूप हैं ये बाबा बैठ समझाते। बाकी साक्षात्कार आदि की तो चिट चैट है, इसकी आश नहीं रहनी चाहिए। समझते हैं अब खुद बाबा आया है तो साक्षात्कार करा दे, परंतु ये सब फालतू है। कईयों को बड़ी इच्छा रहती है कि बाबा हमें साक्षात्कार करा दे, बाबा ने कहे तो फालतू की इच्छा है। फिर साक्षात्कार ना होने से ना उम्मीद होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। साक्षात्कार में प्रिंस को देखते हैं, समझते हैं हमें ये बनना है, खुशी हो जाती है। बहुत करके प्रिंस का साक्षात्कार होता, अगर विचार किया जाए तो मुकुटधारी तो सब बनते हैं, मेल फीमेल में फ़र्क नहीं रहता, सिर्फ फीमेल को लंबे बाल हैं, थोड़ा शक्ल में फ़र्क है। आत्माएं कितनी हैं, एक का नाम रूप ना मिले दूसरे से। आत्मा में अविनाशी पार्ट है जो कभी बदल नहीं सकता, कैसे वंडरफुल खेल बना हुआ है। आत्मा को अनादि पार्ट मिला हुआ है, बाबा कितना सहज करके समझाते, सिर्फ त्रिमूर्ति के सामने जाके बैठो तो बुद्धि में सारा चक्र आ जाएगा। ये शिव बाबा है, ये ब्रह्मा है जिससे ब्राह्मण रचते हैं। अभी कलयुग है, फिर सतयुग आना है। चित्र के सामने खड़े होने से जैसे कि सारे विश्व का खेल बुद्धि में आ जाता है, कैसे चक्र फिरता है, खेल में कौन कौन है सब मालूम पड़ जाता है। रोज़ चित्रों को देखते रहो, विचार सागर मंथन करते रहो, अटेंशन देंगे। प्रदर्शनी के जो चित्र हैं उन्हें ध्यान से देखते रहो, मंथन करते रहो। ये नरक है, ये स्वर्ग है, ये संगम है, कितना सहज है। जो चित्र बने हुए हैं, एक तरफ स्वर्ग का चित्र बना हुआ है, एक तरफ नरक का, बीच में संगम युग दिखाया है, कितना सहज है। रोज़ प्रैक्टिस करने से बुद्धि में रोशनी आ जाएगी। श्री लक्ष्मी नारायण श्री राधे कृष्ण के लिए भी लिखो, ब्रह्मा द्वारा सतयुग का वर्षा मिलता है,
लक्ष्मी नारायण को ये प्रारब्ध कैसे मिले? जरूर संगम युग ही होगा जब ऐसे कर्म किए हैं, अंतिम जन्म में पुरुषार्थ से उन्होंने ये प्रारब्ध पाई, ऐसे से ख्याल बुद्धि में आने चाहिए, फिर चित्रों की भी दरकार नहीं रहेगी, बुद्धि में सारा राज आ जाएगा। इन चित्रों से फिर दिल रूपी कागज पे उतारना है, इन चित्रों को देखो फिर इन बातों को अपने दिल पे उतारना है। बाबा सेंटर्स के बच्चों का मुख खोलने की युक्ति बताते हैं, चित्रों को देखते रहो, अंदर मन बोलते रहो, मन ही मन में प्रैक्टिस करते रहो। रचना के आदि मध्यंत का राज जानना है, झाड़ में क्लियर है, तपस्या यहाँ कर रहे हैं राजयोग की, ये मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर भक्ति मार्ग कैसे शुरू होता है, जो जो जिस धर्म के हैं उसमें फिर आएंगे, कितना सहज है उन पे समझाना है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसमें अनादि पार्ट नूंधा हुआ है। सत्युग में जब सुख का पार्ट बचाएंगे, इतने जन्म लेंगे, शमशान में भी जाके समझा सकते हो, जब तक मुर्दा जल जाए तब तक बैठ के सत्संग करते हैं, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, बोलो आओ तुम्हें हम समझाएं, सुनकर बहुत खुश होंगे। बात करने वाले बहुत समझदार से आने चाहिए कि कहाँ भी जाके तुम समझा सकते हो, समझाने वाले बहुत समझदार चाहिए, कहीं भी जाके समझा सकते हो, समझाते तो बाबा बहुत अच्छी तरह से हैं, तुम्हारे कच्छ में सच है, आपके बगल में सच है, मनुष्यों के कच्छ में झूठी गीता है, तुम्हारे बगल में सारे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, श्री कृष्ण के चित्र पर तुम बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो, इनको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, आओ हम आपको कहानी सुनाएं, सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। भारत गोल्डन एज था, अब पत्थर एज है, सांवरा हो गया, काम चिता पर बैठने से काला मुंह हो जाता, तो ऐसे से समझाने से तुम बहुत कमाल दिखा सकते हो। तीनों चित्र भले साथ में हो, एक चित्र पे समझाकर फिर दूसरे चित्र पे समझाना चाहिए, बहुत सहज है, सिर्फ पुरुषार्थ की बात है, टाइम तो बहुत है, सवेरे मंदिरों में चले जाओ, आओ हम तुम्हें लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनाएं। भक्ति मार्ग में यज्ञ तप तीर्थ आदि करते करते तुम एकदम कोड़ी मिसल बन गए, फिर शास्त्रों ने क्या सहायता की, हम आपको सच बताते हैं, सच ही सहायता करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, बाकी साक्षात्कार आदि की आश नहीं रखनी, ना उम्मीद बन पढ़ाई नहीं छोड़नी, चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर हर बात को दिल में उतारना है, चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर हर बात को दिल में उतारना है, राजयोग की तपस्या करनी है। वरदान है अपने मस्तक पर सदा बाबा की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव, अपने मस्तक पर सदा बाबा की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। विघ्न विनाशक वही बन सकते हैं जिनमें सर्व शक्तियाँ हों, तो सदा ये नशा रखो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाओ, कितने भी रूप से माया आए आप नॉलेजफुल बनो, बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते हुए कंबाइंड रूप में रहो, रोज अमृत वेले विजय का तिलक स्मृति में लगाओ, रोज अमृत वेले विजय का तिलक स्मृति में लाओ, अनुभव करो बाप दादा की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है, तो विघ्न विनाशक बन सदा निश्चिंत रहेंगे। बाप दादा का दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे, निश्चिंत रहेंगे। स्लोगन है सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। आज चलते फिरते दिल से शुक्रिया करते याद करेंगे
बाप दादा का, दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है, मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। कुछ पल के लिए सुंदर चित्र बनाएं। मेरा ये स्थूल शरीर लाइट का बन गया है। मेरे मस्तक पर बाप दादा का दुआओं भरा हाथ है। इस हाथ से बहुत लाइट निकल रही है। परमात्म शक्तियां इस हाथ के माध्यम से पूरे शरीर में फैल रही हैं। ये दुआओं का हाथ विजयी भव का वरदान दे रहा है। प्यारे बाबा, आपने मुझे वरदान देकर शक्तियों से भरपूर किया है, निर्विघ्न बना दिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया। ओम।